हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सबके सब? सही हैं सबके सब? ठीक है। इससे पहले जो आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली है उसके बीच में कमेंट डाला करो भाई, ऑनलाइन क्लासेस में आपको कैसा अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी है वो चीज़ आप उसमें लिखा करो। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे पहले चैप्टर थर्ड, वी आर अ बिट डिफरेंट, कुछ अलग हैं हम या कुछ खास हैं हम। ठीक है, चैप्टर थर्ड में इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ब्रेल लैंग्वेज है उस ब्रेल लैंग्वेज में कितने डॉट्स होते हैं और उसको जो डॉट्स है वो एक पॉइंटेड पेन से बनाया जाता है जिसे स्टाइलस कहा जाता है। ठीक है। फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था इंडिया की ब्रेल लैंग्वेज में इंडिया कैसे लिखते हैं। आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक, द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज, अर्थात कि जो ब्रेल लैंग्वेज है ठीक है वो कैसे बनी। ठीक है, उसकी एक स्टोरी पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे। और सेरेब्रल जो पॉलिसी है वो क्या चीज है। ठीक है, सेरेब्रल पॉलिसी क्या चीज है। तो हम ये जो बुक की रीडिंग है पेज नंबर 22, द स्टोरी ऑफ ब्रेल लैंग्वेज पढ़ो। चलो शुरू करो। लुईस ब्रेल लिव्ड इन फ्रांस, कि जो लुई ब्रेल है वो कहाँ रहता था, फ्रांस में रहता था। वंस ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड व्हेन लुईस ब्रेल वाज प्लेइंग इन हिज फादर वर्कशॉप हिज आईज गॉट हर्ट, कि एक दिन जब वह छोटा था तो एक दिन वह अपने पिता के साथ उसके पापा के वर्कशॉप पे गया और वहां खेलते समय उसकी आंख पर चोट लग गई। He lost his eyesight और इससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लुईस ब्रेल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, और जो लुईस ब्रेल था वो एक बहुत बुद्धिमान स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थी था। He was being taught differently. It was very difficult to study those textbooks because it was more time consuming. इसका मतलब कि उसे अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाने लगा, परंतु ये काफ़ी कठिन हो रहा था क्योंकि उन किताबों से पढ़ाना काफ़ी कठिन हो रहा था और साथ ही साथ उसमें समय भी ज़्यादा लग रहा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उसी समय उनके स्कूल में एक एक्स आर्मी जो कैप्टन है वो आया और उन्होंने वहाँ के जो विद्यार्थी है और जो टीचर्स है उन्हें अपने द्वारा बनाए गए 12 बिंदुओं की जो भाषा है उसके बारे में बताया। ठीक है। ड्यूरिंग दैट पीरियड एन आर्मी कैप्टन विजिटेड लुईस ब्रेल्स स्कूल एंड ही सॉट द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स द लैंग्वेज बेस्ड ऑन 12 पॉइंट्स इन्वेंटेड बाय हिमसेल्फ। तो उस आर्मी कैप्टन ने जो अपने द्वारा 12 बिंदुओं की जो भाषा बनाई थी वो लुईस ब्रेल के स्कूल में जाके वहाँ के विद्यार्थी और टीचर्स को उसके बारे में बताया। लुईस ब्रेल वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लैंग्वेज, और जो लुईस ब्रेल था वो उस लैंग्वेज से काफ़ी प्रभावित हुआ, उसे काफ़ी अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि उसको समझ में आया और उसके पढ़ाई में क्या हो जाती, उससे आसानी हो जाती। लुईस ब्रेल विथ हिज एफर्ट्स मॉडिफाइड हिज 12 पॉइंट्स लैंग्वेज इंटू 6 पॉइंट्स लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि जो लुई ब्रेल था उसने अपने तरीके से उन 12 बिंदुओं की जो भाषा थी जो किसने बनाई थी, एक्स आर्मी कैप्टन ने, लुई ब्रेल ने उस 12 जो बिंदुओं की जो भाषा है उसको 6 बिंदुओं की भाषा में क्या कर दिया, अपने तरीके से परिवर्तित कर दिया। ठीक है। Hence, the language developed by him was named Braille language.
और उसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, ब्रेल लैंग्वेज अर्थात ब्रेल भाषा रख दिया गया। फिर आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ, यू हैव लर्न दैट हाउ द पीपल हु कैन नॉट सी आल्सो स्टडी, कि आपने ये पढ़ा कि जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन सच पीपल आल्सो हु आर डम्ब एंड डीफ, दिस पीपल कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ साइन लैंग्वेज, कि आपने देखा होगा कि जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं और सुन नहीं सकते हैं वे लोग अपनी बातों को दूसरे को एक संकेतिक भाषा के माध्यम से समझाते हैं और समझते हैं। ठीक है, कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वो क्या करेंगे, संकेतिक भाषा का उपयोग करेंगे अर्थात इशारे से बात करेंगे, और इशारों की भाषा से ही वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समझाते और समझते हैं। कम लेट्स सी हाउ डज साइन लैंग्वेज वर्क, चलो आओ देखते हैं कि जो ये संकेतिक भाषा है वो किस तरह से कार्य करती है। आ जाओ द रेड पेन पे, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, आपने क्या समझा। ठीक है, डिवाइड द क्लास इनटू टू ग्रुप्स, वन स्टूडेंट फ्रॉम अ ग्रुप हैज टू गिव इंस्ट्रक्शन साइलेंटली विथ हिज हैंड्स ओनली, एज स्टैंड अप, कैम हियर, ओपन द बुक एटसेट्रा। द स्टूडेंट ऑफ अदर ग्रुप विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन थ्रू साइंस। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी जो कक्षा है, जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हो, क्लास में पढ़ रहे हो, उस क्लास को दो भागों में अर्थात दो समूहों में क्या कर दो, बांट दो। अब एक समूह में से एक लड़के को खड़ा करके अपने पास बुलाओ और उसे बोलो कि आपको क्या करना है, इशारों से कुछ निर्देश देने। कौन कौन से निर्देश देने इशारों से, जैसे कि खड़े आ जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक है, इधर आओ, अपनी बुक खोलो। इस तरह से आपको उस लड़के को कहना है कि इस तरह से इशारों के निर्देश देने। और जो दूसरा समूह है उसे क्या करना है, उन्हें ये बोलना है कि जो ये लड़का जो निर्देश दे रहा है इशारों से, उन निर्देशों के अनुसार क्या करना है, उन्हें कार्य करना है। ठीक है, जैसे कि एक समूह के लड़के ने इशारा किया ऐसे करके, तो दूसरा लड़का क्या हुआ, उसके पास आ गया। ठीक है, फिर दूसरे ने क्या किया, इसका मतलब बुक खोलो, किताब खोलो, तो उन्होंने क्या कर लिया, किताब खोल दी। तो इस तरह से निर्देश देने हैं और उसी के अनुसार क्या करने हैं, कार्य करना है। द वे यू कुड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस थ्रू द साइन लैंग्वेज, द सेम वे साइन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर म्यूट डीफ पीपल, जिस प्रकार इशारों से आप निर्देश समझ पाए, उसी प्रकार जो लोग बोल नहीं सकते उनके लिए संकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति बोल नहीं सकता उसके लिए क्या किया जाता है, संकेतिक भाषा अर्थात इशारों की भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर कि जो ये दे रखा है चित्र, ये क्या है, संकेतिक अर्थात साइन लैंग्वेज है अर्थात संकेतिक भाषा है। ठीक है, ए के लिए कैसा है ये, ठीक है, फिर बी के लिए क्या है चार, फिर सी के लिए ये, डी के लिए ये, तो क्या है, ये संकेतिक भाषा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, सेरेब्रल पाल्सी। ये सेरेब्रल पाल्सी क्या चीज है, यस सेरेब्रल पाल्सी, हैव यू हियर्ड दिस नेम, हाँ सेरेब्रल पाल्सी, क्या आपने कभी यह नाम सुना है। दिस इज अ काइंड ऑफ डिसीज, जो सेरेब्रल जो पाल्सी है ये एक प्रकार की क्या है, बीमारी है। हैंड्स लेग्स एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी आर नॉर्मल बट
दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली। कि ये एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हाथ पांव और शरीर के अन्य जो अंग हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पेशेंट के सामान्य होते हैं, ठीक है। जो बीमार व्यक्ति है उनके हाथ पैर और अदर जो दूसरे अंग हैं शरीर के, वो क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, परंतु वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक है, परंतु ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं। दिस कॉज ऑफ डिसीजेस इज दैट द ब्रेन ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इट हैज नो कंट्रोल अपॉन हिज ऑर्गन्स। इस बीमारी के कारण मरीज के मस्तिष्क का, किसके मस्तिष्क का, मरीज का जो मस्तिष्क है उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता है। मरीज का जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। जिस प्रकार से वो ठीक ढंग से चल नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, और अन्य कार्य जिस प्रकार से हम करते हैं वो इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं। पेज नंबर 24। फॉर एग्जाम्पल ही कैन पिक अप द बुक केप्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, जैसे कि उन्हें किताब रखने में भी सामने दिक्कत आती है, ठीक है। दिस डिजीज नीड्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। तो इस बीमारी में एक विशेष तरीके के व्यायाम अर्थात एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। फिजिकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली अनेबल्स द ब्रेन टू कंट्रोल अदर ऑर्गन्स। तो शारीरिक व्यायाम करने से क्या होता है कि जो मस्तिष्क का नियंत्रण है वो शरीर अंगों पर, शरीर के जो अंग हैं उन पर धीरे धीरे होने लगता है। यदि हम एक्सरसाइज करें इस बीमारी में, ठीक है, जो बीमार व्यक्ति यदि वो इस एक विशेष प्रकार की एक्सरसाइज करे तो धीरे धीरे उसके जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क का नियंत्रण जो है वह शरीर के अन्य अंगों पर धीरे धीरे होने लगता है। द सेम वे देर इज ए डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग टू। इसी प्रकार से बोलने और लिखने की भी एक विशेष प्रकार की एक्सरसाइज होती है, अर्थात विशेष प्रकार का एक व्यायाम होता है। इसमें इट मेक्स द पर्सन नॉर्मल ग्रेजुअली, अर्थात हालांकि हमारी तरह इस बीमारी के अंदर वो व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है, जैसा कि हम कार्य कर पाते हैं उस तरह से वो व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता, अर्थात जिस गति से हम कार्य कर पाता है, परंतु हाँ इतना ये है कि काफ़ी हद तक एक्सरसाइज करने से क्या होता है, उसमें सुधार आ जाता है, ठीक है। तो कल हम करेंगे पेज नंबर 24 की एक्सरसाइज, ठीक है। जब तक आप लोगों को क्या करनी है, इस बुक की जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट की क्या करनी है, रीडिंग लगानी है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।